हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फील गुड वही संतोष में मैं हूँ, वही संतोष एक और शानदार वीडियो के साथ हम मौजूद हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय टीम के 30 खिलाड़ियों के जाति और उनके धर्म के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम सब एक है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो आपके डिमांड पर आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसी भी तरीके से जाति और जातिवाद को बढ़ावा देने का नहीं है और इस वीडियो का संबंध किसी भी रूप में जाति और जातिवाद को बढ़ावा देने का नहीं है। नहीं हमारा उद्देश्य आप में से किसी को आहत करने का है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है वीरेंद्र सहवाग। आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति जाट है, और इनके अगर धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है। दूसरे नंबर पे हम नवदीप सैनी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि गेंदबाज नवदीप सैनी जो है सैनी जाति से आते हैं, और अगर इनके धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की। आपको बता दें कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। इसके बाद जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं चौथे नंबर पे, वो है लोकेश राहुल। आपको बता दें कि लोकेश राहुल की अगर जाति की बात करें तो ये कंसूर जाति से आते हैं। इसके बाद जिस क्रिकेटर की हम बात पांचवें नंबर पे कर रहे हैं वो है रविंद्र जडेजा। आपको बता दें कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जो है भारतीय टीम के बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं और साथ ही साथ वो एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। अगर इनके जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है राजपूत है और इनका धर्म हिंदू है। छठे नंबर पे जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है युजवेंद्र चहल। आपको बता दें कि गेंदबाज युजवेंद्र चहल जो है जाट जाति से आते हैं और इनके धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है। सातवें नंबर पे जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है ऋषभ पंत। आपको बता दें कि क्रिकेटर ऋषभ पंत जो है भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और अगर इनके जाति की बात करें तो ये जो है मराठा ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। आठवें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है भारत के पूर्व बैट्समैन गौतम गंभीर। बता दें कि क्रिकेटर गौतम गंभीर की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। इसके बाद जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है ईशांत शर्मा। आपको बता दें कि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है ब्राह्मण है। दसवें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है मयंक अग्रवाल। आपको बता दें कि क्रिकेटर मयंक अग्रवाल जो है जैन बनिया जाति से आते हैं और इनका धर्म जैन है। बाद ग्यारहवें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है अजीत अगरकर। बता दें कि गेंदबाज अजीत अगरकर की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। इसके बाद बारहवें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है केदार जाधव। आपको पता है कि केदार जाधव मराठा हैं। 13वें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है दिनेश कार्तिक। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। 14वें नंबर पर जिस हम बॉलर की बात कर रहे हैं वो है कुलदीप यादव। आपको बता दें कि कुलदीप यादव भारतीय टीम के बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं और इनकी अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति यादव है और इनका धर्म हिंदू है। इसके बाद 15वें नंबर पर जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो है मुस्लिम धर्म से आते हैं और इनका धर्म इस्लाम है। 9वें नंबर पे बात करें तो वो है अजेंद्र रहाणे। आपको बता दें कि अजेंद्र रहाणे जो है मराठा हैं और इनका धर्म हिंदू है। 17वें नंबर पे जिस हम प्लेयर की बात कर रहे हैं वो है भुवनेश्वर कुमार। भारतीय टीम के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार जो है मावी गुज्जर जाति से आते हैं और इनके अगर धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है। 18वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। आपको बता दें कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो है गुजराती ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। 19वें नंबर पे जिस गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं वो जो है जसप्रीत बुमराह। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगर जाति की बात करें तो वो जो है रमगढ़िया है और उनका धर्म सिख है। इसके बाद जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगर जाति की बात करें तो राजपूत है और उनका धर्म हिंदू है। इसके बाद 21वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं वो है मनीष पांडे। आपको बता कि क्रिकेटर मनीष पांडे जो है ब्राह्मण जाति से आते हैं और इनका धर्म हिंदू है। 22वें नंबर पे जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है पार्थी पटेल। आपको बता दें कि भारतीय टीम के
पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की अगर जाति की बात करें तो पटेल जाति से आते हैं और इनका धर्म हिंदू है। नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है रविचंद्र अश्विन। आपको बता दें कि स्पिनर रविचंद्र अश्विन की अगर जाति की बात करें तो ये जो है तमिल ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। इसके बाद 24वें नंबर पर जिस क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं वो है रॉबिन उथापा। आपको बता दें कि रॉबिन उथापा जो है कोडवा कम्युनिटी से आते हैं और इनके अगर धर्म की बात करें तो इनका धर्म जो है क्रिश्चियन है। 25वें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो तथाकथित रूप से क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, यानी हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो है मराठी ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। 26वें नंबर पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन है और अगर इनके जाति की बात करें तो इनकी जाति खत्री है और इनका धर्म हिंदू है। 27वें नंबर पर जिस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं वो है सुरेश रैना, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है और इनका धर्म हिंदू है। 28वें नंबर पर जिस तेज गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं वो है उमेश यादव। आपको बता दें कि तेज गेंदबाज उमेश यादव की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति यादव है और इनका धर्म हिंदू है। 29वें नंबर पर जिस क्रिकेट प्लेयर की हम बात कर रहे हैं वो है विराट कोहली। आपको बता दें कि विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की अगर जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है पंजाबी खत्री है और इनका धर्म हिंदू है। 30वें नंबर पर जिस क्रिकेट प्लेयर की हम बात कर रहे हैं वो है भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह। अगर इनके जाति की बात करें तो आपको बता दें कि इनकी जाति जाट है और अगर इनके धर्म की बात करें तो इनका धर्म सिख है। अब आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि वो भारतीय टीम का कौन सा खिलाड़ी है जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।